Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am back with another baking recipe. और आज जो है baking में बड़े मज़े की एक चीज़ बनाने वाला हूँ. वो डिफरेंस ही है pretzel जिसको कहा जाता है. ये एक तरह की समझ ले कि ब्रेड ही होती है. बहुत यमी सी होती है, सॉल्टी चुई सी. जब बनेगी तो आपने इसको देखना है ज़रूर कि कैसे बनती है, और ज़रूर इसको ट्राई करना है. इट्स अ मस्ट ट्राई रेसिपी, ठीक है. तो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, और मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो करें. सारी डिटेल नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूँ. इसके अलावा अगर आपने मेरी बाकी की बेकिंग की रेसिपीज अगर नहीं देखी तो उसका भी ऊपर यहाँ पे मैं यहाँ कहीं जो है ना लिंक आपको मिलेगा, ठीक है, वो भी आपने चेक कर लेना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. स्टार्ट करते हैं प्रेजल्स बनाना. तो उसके लिए सबसे पहले मैदा ले लिया मैंने. मैदा जो लिया था वो 3 कप और 1/2 कप, मतलब 3.5 कप के जितना मैदा लिया था. दूध ले लिया था मैंने 3/4 कप. 3/4 कप होता है 1/2 कप पूरा और 1/4 कप, ठीक है. उसके अंदर चीनी डाल ली थी मैंने 1 खाने का चम्मच. अगेन शुगर जो है वो मेरी वो ग्रैनुलेटेड, मतलब दानेदार थी, इस वजह से मैंने उसको दूध में हल कर लिया है ताकि वो ईज़िली मिक्स हो जाए. अगर पाउडर फॉर्म है तो डायरेक्ट जो है आटे में डाल दें. उसके बाद 1.5 चाय का चम्मच जो है यीस्ट डाल दिया था, और नमक जो है वो मैं डालने लगा था लेकिन ये गलती, अच्छा हुआ मैंने टाइम से कर ली ये, क्योंकि डायरेक्ट जो है यीस्ट के ऊपर नमक नहीं डालते. अगर यीस्ट के ऊपर नमक डाल दोगे तो आपका यीस्ट काम नहीं करेगा, आपका आटा नहीं फूलेगा. तो पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लें, देन उसके अंदर जो है वो नमक डाल लें. उसके बाद इसके अंदर 3 खाने के चम्मच टोटल जो है वो ऑयल यूज़ हुआ है पूरी डो के अंदर. आधा जो है वो मैंने पहले डाला है, आधा जो है वो मैं लास्ट में डालूंगा, जैसे कि मैं पहले भी ये काम करता हूँ, क्योंकि इससे ये होता है कि आपकी डो जो है बहुत अच्छे से हैंडल हो जाती है डालने को. तो आप जो है इसी टाइम पे जो है वो सारा का सारा ऑयल डाल दो, उससे ये लास्ट पे डालने से ये होता है कि डो जो है आपकी बहुत अच्छे से हैंडल हो जाती है. तो वो हर पासे जो है वो चिपक चिपक के जो है वो तंग नहीं करती. वरना जिस भी चीज़ के अंदर जो यीस्ट जाती है ना, खमीर वाले जो आटे होते हैं वो इतना तंग करते हैं, इतने ज़्यादा चिपकते हैं कि पूरे किचन में खलारा पड़ जाता है. तो इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, डो बना लेनी है. अच्छा, वैसे जो हम ब्रेड्स बनाते हैं, जो भी चीज़ें बनाते हैं, उनकी डो जो है वो हमेशा जो है वो सॉफ्ट गूंदते हैं. इसकी भी सॉफ्ट ही गूंदेगी लेकिन थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट से थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए. उसके बाद इसके अंदर 1/2 कप पानी गया था इसके अंदर, वो भी मैंने लूक वार्म जो है वो लिया था. तो अंदाजे से कुछ मैदे के अंदर जो है वो पानी ज़्यादा जाता है, कुछ में कम जाता है, तो बस आपने अंदाजे से जो है उसको डाल लेना. मेरा जो है 1/2 कप पानी गया था. अच्छी सी डो बना लेनी है, स्मूथ सी, अच्छी सी, रगड़ रगड़ के मल मल के जो है इसको आपने गूंद लेना है. कोई भी इसके अंदर वो गुटली कोई कुछ भी जो है ऐसा नहीं होना चाहिए. अच्छे से इतना आपने गूंदना है कि जो डो है ना वो आपसे माफ़ियाँ मांग रही शुरू हो गई कि मैनू माफ़ दे दो, लेकिन आपने इसको बहुत अच्छे से गूंदना है, इतना कि जो ये आपके हाथ पे जो है वो नहीं चिपकनी चाहिए, ठीक है, जितना आटा गूंदे आप. रिमेनिंग ऑयल जो है वो मैंने डाल दिया था इसके अंदर जो शुरू में बचा के रखा था, और इसको आपने अच्छी तरह इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेना है, और फिर अच्छी सी जो है डो आपने गूंद लेनी है, और इसको फिर हमने कर देना है रेस्ट, दे देना तकरीबन 2 घंटे के लिए. आजकल तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो 2 घंटे के अंदर अंदर ये आपका आटा जो है वो फूल जाता है. वरना अगर सर्दी हो या अगर आपका टेम्परेचर बहुत कम हो, 3, 4, 5 घंटे भी इसको लग सकते हैं, ठीक है. ये अब आप पे ही डिपेंड करता है, आपके वेदर पे, आपका वेदर जो है वो कैसा है. अब जब जी 2 घंटे के बाद जो आटा जब फूल जाएगा तो उसको सुटना है अपने वर्क सरफेस के ऊपर, जैसा भी आपका सरफेस है. मेरे पास तो बस ये बेचारा एक रोटी बेलने वाला ही था, तो इसके ऊपर आपने इसको बस हल्के से 1-2 मुक्कियाँ मार के तो बस ठीक है. इसको सीधा 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 पदरा कर लेना आपने. अब आपने इसको अपने हिसाब से इसको जो है डिवाइड कर लेना. मैं इसके एक नॉर्मल साइज़ के प्रेजल्स बना रहा हूँ, बहुत बड़े प्रेजल्स नहीं बना रहा. अगर आपको बड़े चाहिए तो बड़ा साइज़ रख लें, छोटे चाहिए तो छोटे रख लें. मैंने इतनी रेसिपी में से 12 प्रेजल्स निकाले थे, ठीक है. 12 इसमें ठीक ठाक साइज़ के बन गए थे, बहुत छोटे भी नहीं बहुत बड़े भी नहीं. एक बंदा एक प्रेजल्स आराम से खा सकता है. अच्छा, तो इसको अब आपने बेल लेना है, और इसको फिर प्रेजल्स की शेप दे लेनी है. शेप कैसे देनी है वो आपको वीडियो में नज़र आ रही होगी. सबसे पहले इसको एक लंबी सी जो है इसकी रस्सी बना लें, रोप सी जिसे कहते हैं, अच्छी मतलब लंबी सी बना के, देन उसको आपने जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है एक ट्विस्ट, 2 ट्विस्ट दे के, तो उसको आपने एक शेप जो है वो दे लेनी है.
प्रेट्ज़ल जो है ये एक तरह की ब्रेड ही होती है, ब्रेड की ही एक किस्म है, ये फ्रेंच ब्रेड जो होती है उसकी ही एक किस्म है। इसका जो टेस्ट होता है ना वो बहुत एक आप कह सकते हो कि एक जैसे आप अगर किसी मेटल की चीज़ को अगर आप टेस्ट करो ना तो बिल्कुल वैसा वैसा इसका टेस्ट रहता है। बहुत मज़े का एक अच्छा नमकीन सा और एक बहुत मज़े का जो है इसका टेस्ट रहता है। अगर बनाओगे तो आपको इसको पता चल जाएगा। और इसको आपने अच्छी तरह से आपने इसकी शेप्स दे लेनी है, और शेप दे के वैसे हम ब्रेड्स को क्या करते हैं कि रेस्ट देते हैं कि 10-15 मिनट तक फूल जाएं, लेकिन इसको रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि लेट हमने अभी इसको क्या करना है कि इसको पानी में उबालना भी है। उबालना इस तरह नहीं है कि इसको सारा पका देना है, हमने बस उसको चंद एक मिनट के लिए सिर्फ इसको पानी में डालना है, और पानी जो होगा वो सोडा मिला पानी होगा। मतलब हमारा पानी जो है वो बिल्कुल बॉयल कर लिया था, और चूल्हा मैंने बिल्कुल सिमर पे कर दिया, मतलब बिल्कुल लो कर दिया, तो उसके अंदर मैं 2 खाने के चम्मच जो है वो सोडा डाला था, वो शुरू करेगा। तो आपने सोडा डाल के उसके अंदर जो है अपने प्रेट्ज़ल्स डाल देने, गिन के आपने 1 मिनट जो है वो प्रेट्ज़ल्स को पानी के अंदर उबालना है। खबरदार अगर आपने 1 मिनट से ज़्यादा भी इसके अंदर डाला वरना आपका जो सारी की सारा आटा है वो घुल जाएगा पानी के अंदर। ये स्टेप करने का मकसद ये है, यही जो स्टेप है ना यही प्रेट्ज़ल्स को प्रेट्ज़ल्स का फ्लेवर देता है, ठीक है। वरना आपके प्रेट्ज़ल जो है आम फिर वो जैसे आप बंद खाते हो या ब्रेड खाते हो उसका रेगुलर टेस्ट होगा, यही जो चीज़ है ये आपको प्रेट्ज़ल का फ्लेवर देती है। तो आपने इसको जो है पानी के अंदर उबाल लेना है सिर्फ 1 मिनट के लिए, 1 मिनट से ज़्यादा इसको इसके अंदर नहीं रखना हमने, वरना आपके प्रेट्ज़ल जो है वो घुल जाएंगे पानी के अंदर। और डो को सॉफ्ट ना गूंदने की रीज़न भी यही थी कि हम इसको अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो होगी तो वो सारी पानी के अंदर जो है वो घुल जाएगी और हैंडल ईजीली नहीं होगी। इसको निकाल के बेकिंग डिश में रख लें। अच्छा एक टिप और आपको दे दूँ, प्रेट्ज़ल को कभी भी डायरेक्ट आपने एलुमिनियम फॉयल या मेटल की किसी चीज़ पर नहीं रखना, क्योंकि हमने इसको सोडे मिले पानी के अंदर जो है वो बॉयल किया है तो वो रिएक्ट कर जाएगा मेटल के साथ और चिपक जाएगा सारा, और आपका सारा मेहनत जो है वो तबाह बर्बाद हो जानी है। तो ये आपने टिप जो है वो याद रख लेनी है। तो सबसे पहले आपने डिश के ऊपर जिसमें भी आप बेक कर रहे हो उसके ऊपर आपने अच्छे से एक बेकिंग पेपर जो है वो बिछा लेना है, फिर अगेन रेगुलर आपने एग वॉश दे देना, इसको एक अंडा फेंक के उसके साथ इसके ऊपर ब्रश कर दें, और इसके ऊपर छिड़कना है आपने नमक। नमक आपका दानेदार होना चाहिए, पाउडर वाला नमक कोशिश करें कि ना लिए, दानेदार जो होगा उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है और वो ऊपर अच्छा भी लग रहा होता है। देन इसको आपने कर लेना बेक, बेक ये 20 से 25 मिनट तक बेक होंगे 180 टेम्परेचर पे। अगर ये मैंने पतीले में बेक किया, अगर आपको तरीका देखना है कि पतीले में कैसे बेक करते हैं तो इसका मैं लिंक दे रहा हूँ मेरी चिकन ब्रेड वाली रेसिपी में। चिकन ब्रेड वाली रेसिपी में मैंने पूरा बताया हुआ है कि पतीले के अंदर आप कैसे जो है अच्छी बेक कर सकते हो। तो बहुत अच्छी सॉफ्ट सी जो प्रेट्ज़ल्स बने थे, इसको आप खाओ मायोनीज़ के साथ, मस्टर्ड पेस्ट के साथ, केचप के साथ, चाय और टाइम पे, ये बहुत मज़े के लगते हैं। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग द शान मुस्तफ़ा एंड लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।